मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री तक जन के मन की बात पहुंचने के लिए युवा कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। जनता के मन की बात पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजी जा रही है। महू रोड पर युवक कांग्रेस ने आमजन से प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखवाए। यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, याश्विन सेरानी सहित नेता उपस्थित थे। कांग्रेस नेता किशन सिंघार ने बताया, आज देश में लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान चलाया मोदी जी के नाम। जो मन की बात करते हैं उनको हम आज जनता के मन की बात लिख कर भेज रहे हैं। आज जनता काफ़ी परेशान है। मीठे तेल के भाव 150 के लगभग पहुंच गए। आज महिलाओं से भी बात हुई, उन्हें भी ये पत्र लिख कर बताया है कि आज किस तरीके से परेशान है। बेरोजगारी को लेकर किसी प्रकार का काम धंधा नहीं हो रहा, किसान भी परेशान है। महिलाओं ने भी बताया है कि आज मीठे तेल का जो भाव है, मीठे तेल का भाव आसमान छू रहा है। 150 रुपये लीटर के लगभग मिल रहा है। डीजल 90 से 95 रुपये लीटर हो गया है। पेट्रोल 102 के पार हो गया है। इस प्रकार की कई समस्याओं को लेकर आज मोदी के नाम हमने पोस्टकार्ड अभियान चलाया है। युवा कांग्रेस नेता सैयद भूसत जेदी ने कहा, इस तरह से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में आज हमने पोस्टकार्ड अभियान चालू करा है। ये पोस्टकार्ड हम नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीबी से कैसे त्रस्त हो रहे हैं। हमारे बढ़ती महंगाई को लेकर लोग किस तरह परेशान हैं, आम नागरिक किस तरह परेशान है कि जो आज मध्य वर्ग का है, जो गरीब वर्ग का आती है, जिसकी मासिक आय 7-8 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये महीने का भी रोल लगाएगा और गैस की टंकी जो 800-900 रुपये पूछती है, उसको कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा, उसके विरोध में आज हमने उसका अभियान चालू करा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देर शाम तक शहर में आयोजन हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजेंद्र नगर स्थित IMA हॉल में समारोह का आयोजन किया। पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KC पाठक के आतिथ्य में लेडी डॉक्टरों और मेडिकल से जुड़ी युवतियों का सम्मान किया गया। समारोह में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर शशि गांधी, टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरिल, डॉक्टर ममता शर्मा, डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा सुबेदार, डॉक्टर अर्पणा कामस्कर का भी सम्मान किया गया। डॉक्टर विपिन माहेश्वरी तथा डॉक्टर SS गुप्ता ने मंचा सिंह, डॉक्टर लीला जोशी, डॉक्टर KC पाठक का स्वागत किया। समारोह में डॉक्टर रत्नाकर ने काव्यात्मक प्रस्तुति दी। अन्य रिश्तों में बुआ, चाची, मामी, नानी, इतना सेक्रीफाइस, इतना त्याग, इतना डिवोशन, इतनी सच्चाई, इतनी सेवा जितनी ईश्वर ने नारी शक्ति के रूप में दी है, संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। और डिक्टम इसीलिए बनाई गई है कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमेन। डॉक्टर पूर्णिमा सुबेदार ने अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुति दी। GRP थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम के समीप सट्टा पकड़ने गए SP स्क्वाड के साथ कुछ लोगों द्वारा झूमा झटकी कर मारपीट की गई। इससे वहां हंगामे की स्थिति बन गई। दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन व 5,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ जुआ सट्टा अभियान के साथ ही शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने व लोक सेवकों के साथ झूमा झटकी मारपीट करने का मामला भी दर्ज किया गया।
पुलिस बल के साइबर सेल प्रभारी अनुराग यादव, दल के सदस्य आरक्षक हिम्मत सिंह, विपुल भावसार व जुझार सिंह के साथ जीआरपी थाने पहुंचे और सट्टा संचालित होने की जानकारी देकर थाने से एएसआई जीपी चौधरी, प्रधान आरक्षक प्रभु दयाल, भूपेंद्र, अभय श्रीवास्तव आदि कर्मचारियों को भी कार्रवाई के लिए साथ ले गए। पुलिस दल ने 3 युवकों को पकड़ा। इसी बीच वाहन स्टैंड के पास से कुछ लोग वहां पहुंचे और ऐसा यादव व उनके साथियों के साथ विवाद कर मारपीट करना शुरू कर दी। पुलिस ने रवि मीणा, एजाज पुत्र इशाक मोहम्मद, लोकेंद्र को पकड़ लिया और उन्हें जीआरपी थाने ले गए। पुलिस दल के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर सीएसपी हेमंत सिंह चौहान भी थाने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले जुआ सट्टा अधिनियम के तहत व एसआई यादव की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचने व मारपीट का प्रकरण भी दर्ज किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने मीडिया को बताया। क्या कार्रवाई की आपने? आज दोपहर में रतलाम डीआरपी के साइबर सेल के उपनिरीक्षक अनुराग यादव अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने ऐसा बताया था कि उधर माल गोदाम के पास में ट्रकों की आड़ में लोग मोबाइल से सट्टा लिखते हैं, उनके साथ उन्होंने ट्रैक किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उपरोक्त सूचना पर से मैंने अपने यहाँ से एक एएसआई, एक धनाधीक्षक और यहाँ से टीम भेजी थी, जिन्होंने वहाँ जाके माल गोदाम के आसपास जाके घेराबंदी की थी। उपरोक्त घेराबंदी में उन्होंने 3 लड़के वहाँ पे पकड़े थे, वो रवि, एजाज और लोकेंद्र, और इनके पास इन्होंने 2 मोबाइल जब्त किए थे और 5100 रुपये जब्त किए हैं। इसी दौरान वहाँ बीच में ऐसा बताना है कि जो साइकिल स्टैंड के जो आसपास के कर्मचारी थे और जो ऐसा ठेकेदार बताया जा रहा है, उन लोगों द्वारा बीच बचाव की कोशिश की है और पुलिस को अपनी कार्रवाई में कुछ रुकावट उत्पन्न की है, जिसके संबंध में अलग से जांच की जा रही है। तीनों सट्टेबाजों के खिलाफ 4 का धूत अधिनियम का मामला दर्ज करके विवेचना में ले लिया गया है। बाद जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। मारपीट की है, क्या हुआ है? नहीं, वो अभी हमारे पास कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। आरोपी पक्ष का अपना तर्क है, लेकिन हमारी जो पुलिस टीम का अपना जो तर्क है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। पुलिस द्वारा जो बताया गया है उस पर मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। थाने से थोड़ी दूर पे ही घटनाक्रम हुआ, आपको संज्ञान था मामला? हाँ, टीम भेजी गई थी। ऐसा झगड़े के संबंध में कोई सूचना नहीं है, प्राथमिक रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। जब टीम वापस आई, हाँ, हमने ही हमारी टीम उनके साथ भेजी है यहाँ से, लेकिन हमारी टीम वर्दी में थी जो थोड़ा पीछे थी। हमारी टीम पीछे थी उनके साथ में हमारी टीम भी गई थी यहाँ से, हमारी टीम पीछे थी। मौके पे सिविल में थे, चूंकि अनुराग जी को शायद वो वहाँ के एज अ पुलिस या जो भी अन्य कांस्टेबल थे उनको जानते या पहचानते नहीं होंगे, जो भी कारण रहा हो वहाँ पे, इसलिए जो भी इनके बीच की झूमा झटकी उसके में अलग से वो मेरे को बताया गया कि उसके कुछ फुटेज है, मैं उनके फुटेज निकलवा रहा हूँ, उसकी जांच करवाऊंगा और अगर वैसा पाया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। गर्मी का मौसम पूरी तरह से शुरू हुआ नहीं कि शहर में पाइपलाइनों का फूटना शुरू हो गया है। निगम की पाइपलाइनों के फूटने से जल वितरण व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। सोमवार की रात हाटरोड क्षेत्र में निगम की पेयजल वितरण लाइन फूटने से हजारों गैलन पानी सड़क की भेंट चढ़ गया। निगम ने रात को ही जेसीबी मशीन मौके पर भेज कर गड्ढा खुदवाया और फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करवाया। निगम अधिकारी एस के आचार्य ने बताया, हो सकता है ये उसकी वजह से उसके अंदर को डैमेज हुआ। इतने समय से कोई दिक्कत नहीं थी, आज अचानक प्रॉब्लम डेवलप हुई है। शुरुआत ही दिखाई यहाँ पर रोड भी दबा हुआ है, क्या कारण? किस रोड ये रोड यहाँ पर सीवर लाइन डली है, आपने देखा हो या देखा है? एक रोड लगाए गए, ये पैच लगा हुआ है पूरा, तो सीवर का पैच है, सीवर लाइन डली है। रतलाम जिले में आगामी त्योहारों का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए लोगों के भीड़ के रूप में एकत्रीकरण को हतोत्साहित किया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर गोपाल चंद डार ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जिले में मास्क उपयोग अनिवार्य करने के लिए सघन अभियान संचालित किया जाएगा।
कलेक्टर ने बैठक में सदस्यों से कहा कि कोरोना का खतरा बरकरार है। यूएसए तथा यूके से आ रही कोरोना वेव खतरनाक सिद्ध हो सकती है, इसके लिए रोकथाम उपाय आवश्यक है। सभी लोग मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, एएसपी सुनील पाटीदार, एसडीएम एमएलआर अभिषेक गहलोत सहित शांति समिति सदस्य उपस्थित थे। त्योहारों के दृष्टिगत कलेक्टर ने बताया कि प्रसादी वितरण नहीं किया जा सकेगा, होली पर गेंद नहीं निकलेगी, गोट का आयोजन नहीं होगा, त्योहारों पर प्रसादी वितरण भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा जुलूस के लिए अनुमति लेना होगी, जिसके लिए परिस्थिति अनुसार प्रशासन विचार करेगा। होलिका दहन पर नवीन स्थल के लिए अनुमति लेना होगी, पुराने स्थलों पर डीजे माइक के लिए अनुमति लेना होगी। उत्कृष्ट साहसिक और कोरोना काल में बेहतर सेवा का उदाहरण पेश करने वाली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग ने सम्मानित किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूरज डामोर, पूर्व विधायक संगीता चारेल, जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह, प्रधान परमेश मैडा, कलेक्टर गोपाल चंडार, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े ने किया। समारोह में मोनिका चौहान ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम वंदना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर आराधना करेंगे, हम साधना करेंगे। बाद में महिलाओं का विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान किया गया।